हम सबसे पहले देखते हैं कि फाइल्स होती क्या है तो फाइल इज द कलेक्शन ऑफ बाइट स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस लाइक एच डी डी मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव पेन ड्राइव या कॉम्पैक्ट डिस्क हो सी डी हो या डीवीडी हो एटसेट्रा इन फाइल्स इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली ठीक है फाइल्स क्या है कुछ कलेक्शन ऑफ बाइट्स है कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करती हैं और जो फाइल्स होती है वो परमानेंटली स्टोर होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे जैसे हमने कोई भी फाइल बनाई नोट पैड में हमने कुछ लिखा उसको सेव कर दिया तो वो हमारी फाइल बन गई लेकिन वो सेव कहाँ पे होगी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे वो भी परमानेंटली सेव होगी जब तक हम उसको खुद डिलीट नहीं करते राइट right? तो फाइल्स कुड बी लाइक डॉक फाइल्स जेपेग फाइल्स एक्सेल फाइल्स डॉट पी वाई फाइल मीन्स आपकी कोई डॉक फाइल्स हो सकती हैं कोई इमेज फाइल्स हो सकती हैं कोई स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं या कोई और किसी सॉफ्टवेयर की फाइल्स हो सकती हैं अलग 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 एक्सटेंशन की अलग अलग तरह की फाइल्स लेकिन सारी फाइल्स क्या होती हैं वही होती हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज पे परमानेंटली स्टोर होती हैं नाउ डेटा फाइल्स दीज आर द फाइल्स डेट स्टोर डेटा पर टेनिंग टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर लेटर यूज सपोज हमने एम एस वर्ड यूज कर, कर उसमें कुछ लिखा और हमने फाइल सेव की तो जो हम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज कर कर फाइल्स बनाएंगे वेरियस फाइल्स क्रिएट करेंगे तो वो उसी एप्लीकेशन की फाइल्स होंगी वो सारे की सारी डॉट डॉक फाइल्स हो गई अगर इमेजेस हैं तो की सारे के सारी डॉट जे पैग हो जाएंगी ठीक है तो अगर हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे उसमें कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो वो फाइल उसी सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन ले लेंगी सो इन पाइथन डेटा फाइल कैन बी स्टोर इन टू वेज टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स तो अगर हम पाइथन को यूज करते हुए पाइथन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए फाइल्स क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो तरह की डेटा फाइल्स हो सकती हैं इधर टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स अस सी व्हाट आर द टेक्स्ट फाइल्स एंड व्हाट आर द बाइनरी फाइल्स टेक्स्ट फाइल्स टेक्स्ट फाइल स्टोर इंफॉर्मेशन इन स्काई और यूनिकोड कोड करेक्टर्स ठीक है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज स्काई करेक्टर्स आपको पता ही होगा हेक्साडेसिमल ऑक्टल बाइनरी

तो लास्ट में एंड ऑफ लाइन करेक्टर आता है जो उसकी पहचान है कि यहाँ पर हमारी ये स्टेटमेंट खत्म हो गई है सम इंटरनल ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस वेन ई ओ एल इज रीड और राइट तो अगर हम फाइल को रीड कर रहे हैं या फिर राइट कर रहे हैं और हमने ई ओ एल एनकाउंटर किया है कि ये एंड ऑफ लाइन आ गई है तो वहाँ पे कुछ ट्रांसलेशंस पाइथन करता है कुछ ट्रांसलेट कि हाँ जी ये एंड मिल गया है अब हम नेक्स्ट में जंप करेंगे एन पायथन बाई जो हमारा ई ओ एल है is the new line character, N, जिसे हम कैरिज रिटर्न भी बोलते हैं या फिर न्यू लाइन भी बोलते हैं कैरिज रिटर्न सिंपली मींस एस्केप स्केप करेक्टर की यहाँ पर एंड हो गया है राइट right, तो टेक्स्ट फाइल्स में या यूनिकोड करेक्टर्स में हम बात करते हैं उसी में लिखते हैं यहाँ पर एक एंड ऑफ लाइन भी होता है नाउ बाइनरी फाइल्स बाइनरी फाइल्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन जीरोज एंड व जिसको हम बाइंदरी लैंग्वेज या फिर मशीन कोड भी कहते हैं एज द इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड इन द मेमोरी अब जो कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी है वो जीरोज एंड वन पे ही वर्क करती है बाइनरी लैंग्वेज पर और बाइनरी फाइल्स खुद ही बाइनरी लैंग्वेज में लिखी जाती हैं इन फाइल्स में नो no डेलीमाइटर या फिर नो टर्मिनेटर टर्मिनेटर को डेलीमाइटर भी बोलते हैं कोई भी एंड ऑफ करेक्टर नहीं होता नो इंटरनल ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन फाइल्स में कोई किसी भी तरह की कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमारा सिस्टम बात करता है या वो समझता है बाइनरी फाइल्स आर फास्टर एंड ईजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड और राइट ऑब्वियसली जब बाइनरी फाइल्स लिखी ही जीरो वन की फॉर्म में जाती हैं तो इस ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती सिस्टम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करता है और रन करता है एग्जीक्यूट करता है लेकिन टेक्स्ट फाइल्स को ट्रांसलेट करना पड़ता है सो लेट एस गो विथ टेक्स्ट फाइल्स इस वीडियो में हम टेक्स्ट फाइल्स की बात करेंगे कि हम उस पर कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं कैसे कैसे हम उनको यूज़ करते हैं ओपन करते हैं क्लोज करते हैं अपने पायथन के अंदर एंड ऑल तो सबसे पहले आते हैं एक्सेस मोड्स द टाइप ऑफ ऑपरेशन पॉसिबल इन द ओपन फाइल आर द एक्सेस मोड मीन्स अगर हमने अपने पाइथन सॉफ्टवेयर में किसी भी फाइल को ओपन किया है रैंडम कोई भी फाइल हमने ओपन की है तो उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं उस फाइल को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं दीज वोडो डिफाइन द लोकेशन ऑफ द फाइल हैंडल और फाइल 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 ऑब्जेक्ट इन द हैंडल इज लाइक अ कर्सर डिफाइंस फ्रॉम वेयर द डेटा हैज टू बी रीड और राइट इन द फाइल ठीक है तो फाइल हैंडल फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो वो हम क्रिएट कर देते हैं साइड बाई साइड ठीक है फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फाइल को हम ओपन करेंगे फाइल ऑब्जेक्ट के बिना हमारी फाइल ओपन होगी ही नहीं ठीक है तो फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है वो हमारी फाइल के साथ लिंक हो जाता है और एक कर्सर की तरह काम करता है कि हमने डेटा को यहाँ से रीड करना है इस बाइट से रीड करना स्टार्ट करना है या फिर इस पोजीशन से और यहाँ तक पढ़ना है या फिर हमने यहाँ पर ये लिखना है तो हमने कहाँ पर लिखना है जैसे हमारा कर्सर मूव कर रहा है स्क्रीन पर वैसे ही इंटरनली हमारा फाइल हैंडल फाइल ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक हो जाता है और वो इंटरनली मूव करता है, so, Python, so, सबसे पहला है हमारा रीड ओनली आर ओपन टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग अगर हम मोड आर सेट कर देंगे तो हमारी जो फाइल है वो सिर्फ रीडिंग पर्पज के लिए ओनली फॉर रीडिंग पर्पज ओपन होगी

रीडिंग मोड यू मस्ट स्पेसिफाई आर सेकेंडलीस्ट एग्जिस्ट ठीक है, और अगर आपने mode नहीं दिया है तो बाई इीड मोड नेक्स्ट इज आर प्लस रीड एंड राइट ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग अगर आप आर प्लस मोड में अपने फाइल को ओपन कर रहे हो तो वो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों पर्पज के लिए ओपन हो जाएगी द हैंडल मीन्स द फाइल हैंडल इज पोजिशन एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल ठीक है स्टार्टिंग पोजिशन पर सेट हो जाएगा इट विल ऑल्सो रेस इनपुट आउटपुट एरर इफ द फाइल एग्जिस्ट तो अगर आर मोड हो या आर प्लस मोड हो तो फाइल का एग्जिस्ट करना मैंडेटरी है वरना आपके पास इनपुट आउटपुट एरर आ जाएगा और फाइल ओपन नहीं होगी क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही नेक्स्ट इज राइट ओनली मीन्स डब्ल्यू

और फाइल में हम जो भी लिखेंगे वो ओवर रिटर्न हो जाएगा मीन्स वो वाला डेटा डिलीट होकर नया डेटा वहां पर आ जाएगा द हैंडल इज पोजिशन एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल इट क्रिएट द फाइल इफ द फाइल डिस्ट और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो राइट मोड में ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट हो जाएगी आपके पास कोई भी इनपुट आउटपुट एरर नहीं आएगा द नेक्स्ट इज राइट एंड रीड मीन्स डब्ल्यू प्लस इट ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ठीक है इसमें आपके पास फाइल रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए ओपन बस W प्लस में. में हमारी फाइल रीडिंग एंड राइटिंग दोनों कर सकती है W में आप सिर्फ राइट करोगे रीड नहीं करोगे लेकिन W+ प्लस में आप राइट एंड रीड दोनों कर सकते हो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फाइल क्रिएट हो जाएगी और अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो वो ट्रंकेट होकर ओवर रिटर्न हो जाएगी नेक्स्ट इज अपेंड ओनली ऑड फॉर अडिंग ओपन फॉर राइटिंग डेटा बींग रिटर्न बी इंसर्टेड एट द एंडस्टिंग डेटा अब अगर आपने फाइल अपेंड मोड में ओपन किया देखो अगर आप राइट मोड में करोगे तो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और जो भी आप लिख रहे हो वो सब आ जाएगा मीन्स न्यू डेटा आ जाएगा ओल्ड डेटा डिलीट हो जाएगा अगर आप नहीं चाहते कि आपका ओल्ड डेटा डिलीट हो ए, तो आप अपनी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करोगे ए उसमें क्या होगा ओल्ड डेटा वहां पर एग्जिस्ट करेगा और न्यू डेटा आप एंड ऑफ द फाइल में लिख सकते हो यहाँ पर जैसे जैसे भी आप अपेंड सॉरी अपेंड मोड में फाइल ओपन करोगे तो आपका जो फाइल हैंडल है इस पोजिशन एट द एंड ऑफ द फाइल ठीक है वो ऑटोमेटिकली एंड पे चला जाएगा और जो भी आप लिखोगे वो एंड में इंसर्ट हो जाएगा तो उससे क्या है कि आपके फाइल के जो ओल्ड कंटेंट्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे वो वहीं पे रहेंगे और फाइल राइट भी हो जाएगी द लास्ट इज अ पेन एंड रीड मींस ए प्लस इट ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ पर्पज द फाइल इज क्रिएटेड इफ इट एग्जिस्ट द हैंडल इज the एट द एंड ऑफ द फाइल द डेटा at the एट द एंड existing डेटा ठीक है जो भी डेटा पहले से है उसके बाद डेटा इंसर्ट हो जाएगा आप फाइल को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो इन ए प्लस मोड लेकिन अगर सिर्फ ए होगा तो वो सिर्फ राइट पर्पस होगा ए प्लस में आप रीड एंड राइट कर सकते हो तो ये आपके पास एक्सेस मोड्स हैं ऑफ़ पाइथन अगर आप पाइथन में कोई फाइल ओपन कर रहे हो तो आप ये वाले एक्सेस मोड्स यूज कर सकते हो आर आर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस ए ए प्लस द नेक्स्ट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटा फाइल्स तो फाइल्स में कौन कौन से मोड होते हैं वो तो हमने देख लिए अब हम बात करते हैं कि फाइल को ओपन कैसे करते हैं क्लोज कैसे करते हैं सबसे पहले इफ यू वॉन्ट टू वर्क विद नीड टू ओपन इट इन स्पेसिफिक मोड एडिंग मॉडिफाइंड डेटा इन अ फाइल विच इन टन इंक्लूड्स रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल राइटिंग डेटा टू फाइल्स अप पेंडिंग डेटा टू फाइल्स तो आप ये वाले काम कर सकते हो अपने फाइल्स के साथ रीड कर सकते हो डेटा राइट कर सकते हो और अपेंड कर सकते हो सबसे पहले है ओपनिंग डेटा फाइल्स आपको फाइल ओपन कैसे करनी है ओपन फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल नो मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड टू बी इम्पोर्टेड फॉर दिस फंक्शन अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो आपको कोई भी मॉड्यूल इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है आप बस ओपन फंक्शन के थ्रू आप डेटा फाइल को ओपन कर सकते हो द फाइल शुड एग्जिस्ट इन द सेम डायरेक्ट्री एज द पाइथन प्रोग्राम फाइल्स एज फुल एड्रेस ऑफ द फाइल शुड बी रिटर्न ठीक है जहाँ पर आपकी पायथन की फाइल सेव होती हैं ऑब्वियसली आप पाइथन शेल पर काम करोगे आप पाइथन फाइल में काम करोगे तो वहाँ पर आप जो पाइथन प्रोग्राम की उसी सेम डायरेक्ट्री में जो फाइल्स पड़ी हैं उनके लिए आपको फुल नेम देने की जरूरत नहीं है बस नाम लिखो डॉट पी वाई एक्सटेंशन लिखो फाइल ओपन हो जाएगी लेकिन अगर आप किसी और फाइल पे काम कर रहे हो जो उस डायरेक्टरी में उस वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है तो आपको उसका पूरा पास देना पड़ेगा ठीक है फुल एड्रेस देना पड़ेगा उस फाइल को ओपन करने के लिए ना टू ओपन अ फाइल इज फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन इन ब्रैकेट्स फाइल नेम ये फर्स्ट वे है सेकेंड इज फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन इन ब्रैकेट्स फाइल नेम कॉमा मोड सेकेंड वे में हमने मोड भी लिखा है ओपन फंक्शन दो पैरामीटर्स ले रहा है एक एक फाइल फाइल नेम नेम और उसका मोड लेकिन फर्स्ट वे में सिर्फ दिया है तो फर्स्ट वे में बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फाइल रीड मोड में ही ओपन होगी ठीक है वो भी तब अगर फाइल एग्जिस्ट करती है लेकिन सेकेंड वे में हम मोड स्पेसिफाई कर सकते हैं तो अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे सो फाइल ऑब्जेक्ट मीन फाइल हैंडल इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन देखते हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट फाइल नेम क्या है फाइल 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 ऑब्जेक्ट इज इज नोन एज हैंडल इट द लिंक टू ऑन कंप्यूटर ठीक है जैसे हम फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फाइल का नेम देंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक लिंक दे देगा हमारे फाइल के ऊपर तो वहां से हमारी फाइल ओपन हो जाएगी फाइल नेम नेम और फुल पाथ ऑफ अ फाइल हम दे सकते हैं मोड आर फॉर रीड डब्ल्यू फॉर राइट ए फॉर अ पेंट बाकी आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस हमें पता ही है तो वो मोड एक्सेप्शन केसेस में जाते हैं अब हमने पाथ कैसे देना है एग्जाम्पल एफिकल टू ओपन सी कॉलन स्लैश स्लैश टेम्प डबल स्लैश आर ई सी डॉट टी एक्स टी कॉमा आर ये हमारा फाइल का नेम है आर ई सी डॉट टी एक्स टी टी एक्स टी फाइल है और ये उसका फुल एड्रेस है फाइल कहाँ परिसाइड कर रही है सी ड्राइव के अंदर टेम्प फोल्डर है उसके अंदर ये फाइल है और इस फाइल का मोड क्या है आर ये रीड मोड में ओपन हुई है फाइल ऑब्जेक्ट दिस इज पाथ ऑफ द फाइल एंड आर इस नेम ऑफ द फाइल विच द रीड मोड आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि मैंने डबल स्लैश दिया हुआ है आप चाहें तो सिंगल भी दे सकते हैं वी कैन यूज सिंगल स्लैश ऑफ डबल बट टू डू पाथ अब यहाँ पर क्या है कि जो ये escape sequence है, ये जो ये ये है, है, है इसका एक special meaning होता पाइथन में अगर हम सिंगल स्लैश यूज करेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और ही बन जाएगा रेदर देन फाइल पाथ तो अगर हमें सिंगल स्लैश यूज करना है तो उसके पहले हमें आर लगाना पड़ेगा इक्वल टू ओपन आर c colon slash temp slash rec dot txt इस r का मतलब है raw string raw string means वो ये कह रहा है कि जो ये slash यहाँ पे given है इसका कोई भी special meaning python में नहीं है it is simply a slash जो कि path के लिए दिया गया है तो अगर हमें सिंगल स्लैश यूज करना है तो आगे r दिखना पड़ेगा वरना हम डबल स्लैश यूज कर सकते हैं ठीक है और अगर हमारी फाइल उसी डायरेक्टरी में है वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ पाइथन तो हमें स्लैश में जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें वहां पे फिर सिर्फ नेम ऑफ द फाइल देना है राइट right, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें डबल स्लैश सिंगल स्लैश का अगर आपको पात देना है तो डबल स्लैश ही यूज करना है अगर सिंगल स्लैश यूज करना है तो आगे आर लिखना पड़ेगा ठीक है और अगर हम सेम वर्किंग डायरेक्टरी में है तो आपको फुल पात देने की जरूरत ही नहीं है फिर तो आपने सिर्फ नेम देना है फाइल का तो वहां पर ये स्लैश और डबल स्लैश का कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर यूज़ ही नहीं होगा नेक्स्ट इज क्लोजिंग डेटा फाइल ओपनिंग हमने देख ली हमने कैसे करनी है हम इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी देख ही लेंगे क्लोजिंग डेटा फाइल्स तो क्लोजिंग के लिए वी यूज द क्लोज फंक्शन टू क्लोज द फाइल एंड फ्रीज द मेमोरी स्पेस एक्वायर बाय दैट फाइल आपने फाइल ओपन की है तो उसे क्लोज भी करना है और क्लोज कैसे करना है क्लोज फंक्शन यूज करके आफ्टर क्लोज नो टास्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन टू द फाइल एक बार आपने फाइल ओपन की आपने जो भी काम करना था किया उसके बाद आपने जब फाइल क्लोज कर दी तो फिर आप कोई भी काम उस पर नहीं कर सकते क्योंकि फाइल बंद हो चुकी है इन पाइथन फाइल्स आर ऑटोमेटिकली क्लोज बट वी मस्ट यूज क्लोज फंक्शन ठीक है पाइथन में वैसे अगर आप फाइल ऑटोमेटिकली भी बंद हो जाती है अगर आपने शेल बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाएगी बट इट्स अ गुड हैबिट टू राइट अ क्लोज फंक्शन अगर आप मल्टीपल फाइल्स के साथ काम कर रहे हो आपने एक टाइम पर एक फाइल ओपन की तो हैबिट करो किसे क्लोज भी करना है फिर आप नेक्स्ट फाइल को ओपन कर लो वरना फाइल्स ओपन करते रहोगे और फाइल क्लोज करना भूल जाओगे सिंटेक्स हाउ टू क्लोज अ फाइल फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज तो जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था जो हैंडल क्रिएट किया था फाइल को लिंक करने के लिए बस उसी ऑब्जेक्ट या हैंडल का हमने नेम देना है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज क्लोज फंक्शन ब्रेक्स द लिंक ऑफ द फाइल विद द फाइल ऑनस्क एग्जाम्पल सॉरी यहाँ पर एग्जाम्पल रॉन्ग है यहां पर मैंने फाइल नेम लिख दिया फाइल नेम नहीं आना फाइल ऑब्जेक्ट का नाम आना है एफ डॉट क्लोज अगर एफ है जैसे हमने यहाँ पर एफ फाइल हैंडल यूज किया था तो यहाँ पर हम एफ डॉट क्लोज देंगे नॉट फाइल नेम फाइल ऑब्जेक्ट नाउ इज रीडिंग फॉर्म अ फाइल फाइल ओपन कर ली फाइल क्लोज कर ली अब फाइल में काम भी तो करना है तो काम क्या करना है या तो रीडिंग कर, तो कर, तो कर सकते हैं या तो राइटिंग कर सकते हैं या तो अपेंडिंग कर सकते हैं सबसे पहले हम रीडिंग की बात करते हैं और फिर इसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं रीडिंग फ्रॉम अ फाइल देर आर थ्री वेज टू रीड फ्रॉम अ फाइल सबसे पहला रीड नेक्स्ट इज रीड लाइन एंड थर्ड इज रीड लाइन्स सबसे पहले है रीड रिटर्न द रीड बाइट्स इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग रीड्स एन बाइट्स इफ नो नंबर एन स्पेसिफाइड रीड्स एंटायर फाइल अब इसमें क्या है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड ब्रैकेट में एन ये एन है साइज नंबर ऑफ बाइट्स अगर आप यहाँ पे ये साइज स्पेसिफाई कर दोगे तो पर्टिकुलरली उतने ही नंबर ऑफ बाइट्स को रीड करेगा ठीक है अगर आप ये एन स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो पूरी की पूरी फाइल रीड करेगा एंटायर फाइल तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड ब्रैकेट में साइज अगर साइज स्पेसिफाइड है तो पर्टिकुलरली साइज और अगर साइज स्पेसिफाइड नहीं है तो एंटायर फाइल नेक्स्ट इज रीड लाइन रीड्स अ लाइन ऑफ द फाइल एंड रिटर्न इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग ठीक है ये पूरी की पूरी लाइन रीड करेगा वन सिंगल लाइन फॉर स्पेसिफाइड एन रीड्स एट मोस्ट एन बाइट हाउेवर डजन रीड मोर देन वन लाइन इफ एन एक्सीड्स लेंथ ऑफ द लाइन तो इसमें क्या है सपोज हमने यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन ब्रैकेट में एन तो इट डिपेंड्स अपॉन एन की साइज क्या है तो अगर ये साइज एक लाइन को एक्सीड कर रहा है तो वो उसे एक्सीड नहीं करेगा वो उतनी ही लाइन पड़ेगा ठीक है उसको एंड ऑफ लाइन करेक्टर मिल जाएगा तो वहीं पर स्टॉप कर जाएगा उतनी ही लाइन हमें रीड कर कर देगा और अगर ये एन छोटा है लाइन से तो जितने भी हम यहाँ पे बाइट स्पेसिफाई करेंगे पर्टिकुलरली उतनी ही बाइट्स हमारी रीड होंगी नेक्स्ट इज रीड लाइन्स reads all the lines and returns them as each line a string element in लाइन list, ठीक है? Read lines है entire file read करेगी हर line read हो जाएगी file object dot read lines. तो इससे क्या है यहाँ पर कोई bytes देने की हमें जरूरत नहीं है कोई स्पाइस स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है वो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी एंटायर फाइल रीड कर लेगा नाउ लेट लेटर सी ए एग्जाम्पल ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग एंड रीडिंग इन अ फाइल आप फाइल को ओपन करोगे आप फाइल को रीड करोगे और फिर आप फाइल को क्लोज करोगे so let us see. So तो लेट लेटर सी तो सबसे पहले अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है रीड मोड में तो हमारे पास फाइल होनी भी चाहिए एग्जिस्ट करनी चाहिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से तरह की फाइल्स हैं ठीक है मेरे पास एक ए पी नाम की फाइल है मैंने वो फाइल ओपन की है उस फाइल में ये सब कुछ लिखा हुआ है अब मैं इसी फाइल को रीड करूंगी अपने पाइथन शेल के थ्रू ठीक है स्लेटस फर्स्ट ओपन द फाइल तो उसके लिए f इज इक्वल टू ओपन इन द ब्रैकेट कोट्स में एपी डॉट पी वाई अभी एपी फाइल पाइथन डायरेक्टरी के अंदर ही है तो मुझे फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है ठीक है ये ओपनिंग ऑफ फाइल आ गई एफ इज इक्वल टू ओपन ए डॉट पी वाई ठीक है यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट है हमारा एफ ओपन फंक्शन और ए पी डॉट पी वाई हमारा फाइल नेम है तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई है राइट right, हम नेक्स्ट लाइन में आ गए अब हम इस फाइल को रीड करेंगे और मैं जो भी यहाँ पे कमांड्स दूंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट भी हो जाएगा कि फाइल के अंदर क्या है फिर हम उसको देख सकते हैं कि हमारी फाइल में क्या है और यहाँ पर क्या आया है रीड इन्फो इज इक्वल टू एफ डॉट रीड थर्टी तो थर्टी बाइट्स रीड करेंगे और डेटा कहाँ पे स्टोर होएगा रीड इन्फो में प्रिंट रीड इन्फो राइट तो हमारे पास आ गया एपी डॉट पी वाई टू फाइंड आउट एरिया तो यही हमारी पी डॉट पी वाई टू फाइंड आउट एरिया ए एन देखो उसे सिर्फ थर्टी बाइट्स रीड की है ठीक है हमने साइज दिया था थर्टी तो सिर्फ थर्टी बाइट्स ही रीड हुई है और वही हमारे पास प्रिंट हुई है उसके आगे का रीड नहीं हुआ राइट right? तो जो हमने साइज यहाँ पर दिया था रीड में वो ही हमारे पास प्रिंट हुआ वी कैन चेक चेक द टाइप ऑफ रीड इन ये एक स्ट्रिंग की तरह आता है टाइप ऑफ रीड द क्लास इज स्ट्रिंग तो जो भी डेटा आप फेच कर रहे हो रीड कर रहे हो वो स्ट्रिंग फॉर्म में रीड हो रहा है राइट right? तो नेक्स्ट इज हम नेक्स्ट यूज करते हैं रीड लाइन आर आई इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन आर आई हमने वेरिएबल लिया एफ डॉट रीड लाइन किया नाउ प्रिंट आर आई दी पैरामीटर ऑफ अ सर्कल अब हुआ क्या जितनी पहले रीड हो गई थी फाइल वो पहले प्रिंट हो गई तो हमारा कर्सर आगे था अब जो हमारा फाइल हैंडल है वो ए एन के बाद है ठीक है अब जब हमने इसको दोबारा रीड लाइन किया तो उसने पूरी लाइन रीड की है जहाँ पर वो एट ए टाइम करंटली था मतलब जितनी फाइल हमने रीड कर ली उसके बाद कर्सर भी शिफ्ट हो गया नेक्स्ट इज आर आई टू इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन प्रिंट आर आई टू तो इसके साथ हमारी पूरी की पूरी फाइल रीड होगी और उसने स्ट्रिंग फॉर्म में हमें आंसर दे दिया ठीक है यहाँ तक तो पहले ही आ गया था एपी डॉट पी वाई अब हमारा जो फाइल कर्सर आगे था फंक्शंस पर तो वहां से हमारे पास पूरी की पूरी फाइल प्रिंट होगी फंक्शंस जो फंक्शंस है डेफिनेशन एरिया रिटर्न एरिया ऑफ अ सर्कल एटसेट्रा जितनी भी हमारी फाइल पेंडिंग थी वो सारी की सारी यहाँ पर प्रिंट हो गई तो हमने पहले रीड कमांड चलाई तो सबसे पहले हमारा कर्सर बिगनिंग ऑफ द फाइल पे था हमने रीड कमांड चलाई तो कर्सर मूव हो गया हमने रीड लाइन कमांड चलाई कर्सर और आगे मूव हो गया फिर हमने रीड लाइन किया तो जो पेंडिंग था वो सारा का सारा हमारे पास आ गया तो देखा यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा फाइल हैंडल जो हमारा कर्सर है वो भी मूव होता जा रहा है करंट पोजिशन चेंज होती जा रही है नाउ क्लोजिंग द फाइल तो फाइल को क्लोज कैसे करना है एफ डॉट क्लोज इसी के साथ हमारी फाइल बंद हो गई ठीक है हमने फ़ाइल ओपन की हमने रीड किया फ़ाइल को बाय रीड फंक्शन रीड लाइन फंक्शन एंड रीड लाइन्स अब हमने फाइल क्लोज कर दी अब अगर मैं फ़ाइल को रीड करना चाहूंगी तो मेरे पास क्या आ गया एरर आर आई आई इज़ इक्वल टू एफ डॉट रीड मैंने 15 बाइट्स रीड करनी चाही लेकिन एरर आ गया क्यों क्योंकि हमारी फ़ाइल क्लोज हो चुकी है वो ओपन में नहीं है तो फाइल इज़ नॉट ओपन फाइल इज़ क्लोज तो अब उस पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते तो so, ये था हमारा ओपनिंग रीडिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल द नेक्स्ट इज राइटिंग टू अ फाइल अब फाइल को ओपन कैसे करना है हमने देख लिया क्लोज कैसे करना है हमने देख लिया नेक्स्ट इज राइटिंग टू फाइल देर आर टू वेज टू राइट इन अ फाइल तो राइट करने के लिए हमारे पास दो तरह के फंक्शन है राइट एंड राइट लाइन तो पहले है राइट राइट इंसर्ट दिंग एस टी आर वन इन अगल लाइन इन द टेक्सट फाइल एक ही लाइन में पूरी की पूरी स्ट्रिंग इंसर्ट हो जाएगी कैसे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट ब्रैकेट में स्ट्रिंग तो फाइल ऑब्जेक्ट बनाया हमने डॉट राइट किया जो भी स्ट्रिंग हम यहाँ पर देंगे वो उसमें राइट हो जाएगी राइट लाइन फॉर अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट ईच स्ट्रिंग इज इंसर्टेड इन द टेक्सट फाइल Used to at the same time. अगर आपने बहुत सारा एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स इंसर्ट करनी है सेम टाइम पे तो आप राइट लाइन यूज करोगे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन ब्रैकेट में जो भी लिस्ट मतलब जब जो आपने मल्टीपल स्ट्रिंग्स इंसर्ट करनी है वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इंसर्ट होंगी आप स्ट्रिंग वन कॉमर स्ट्रिंग टू जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स दे सकते हो सारे की सारी इंसर्ट हो जाएंगे राइटिंग एंड अपेंडिंग दोनों ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं दोनों को हम इकट्ठे ही कर लेंगे अपेंडिंग टू अ फाइल अपेंडिंग इट एड्स द डेटा एट लास्ट बाय यूजिंग मोड ए दैट इज अपेंड तो सिंटेक्स फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन फाइल का नेम कॉमा ए अपेंड मोड में फाइल ओपन करेंगे हम और जो भी लिखेंगे वो लास्ट में एड होगा इट विल ओपन द फाइल टू राइट इन द एंड और लास्ट ठीक है फाइल अपेंड मोड में ओपन होगी और फाइल में हम जो भी लिखेंगे वो इन द लास्ट जाएगा

कि जो भी फाइल हमने राइट करनी है उसका मेमोरी में एग्जिस्ट करना या ना करना मैटर सपोज मैंने फाइल ओपन की f is equal to open, .py. ठीक है मैंने ये फाइल ओपन की और इसमें बाई डिफॉल्ट रीड मोड है क्योंकि मैं मोड तो यहां पर कोई दे नहीं रही ठीक है तो बाई डिफॉल्ट रीड मोड है ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आप रीड मोड में उस फाइल को ओपन नहीं कर सकते अब इसी फाइल को मैं राइट मोड में ओपन करूंगी f इज इक्वल टू ओपन टू डॉट पी वाई और अगर हम राइट मोड देंगे तो ये फाइल ओपन भी हो जाएगी क्योंकि वो फाइल क्रिएट कर देगा द मोड इज w सी कोई एरर नहीं आया उसने ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट कर दी है टू डॉट पी वाई के नाम से क्योंकि फाइल हमारी राइट मोड में ओपन हुई है ठीक है तो रीड मोड के लिए फाइल का एग्जिस्ट करना मैंडेटरी है पर राइट मोड के लिए अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करती फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दी जाएगी नाउ अब फाइल ओपन हो गई है लेट अस राइट इट एफ डॉट राइट हाय दिस इज फाइल हैंडलिंग ठीक है मैंने लिखा ये एक स्ट्रिंग दी मैंने हाय दिस इज फाइल हैंडलिंग 26 26 इज द नंबर ऑफ बाइट्स अगर आप इसे काउंट करो हाय दिस इज फाइल हैंडलिंग विद स्पेसेस तो ये टोटल 26 बाइट्स बनती हैं ठीक है तो एफ डॉट राइट मैंने इस स्ट्रिंग दी अब जो भी फाइल बनेगी उसके अंदर ये स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी ये स्ट्रिंग राइट हो जाएगी हम वो भी चेक करके आपको बताएंगे वन फाइल क्लोज द फाइल जैसे हम फाइल क्लोज करेंगे हम आपको दिखा दू कि ऑटोमेटिकली फाइल रीड सॉरी राइट हो चुकी है अगेन को एक स्ट्रिंग ले लेते हैं एफ डॉट राइट दिस इज पाइथन ठीक है तो मैंने लिखा दिस इज पाइथन आगे स्लैश एन स्लैश एन फॉर न्यू लाइन अगर मैं स्लैश एन नहीं लगाऊंगी तो हाई दिस इज फाइल हैंडलिंग के साथ ही आ जाएगा दिस इज पाइथन तो स्लैश एन लगाने से वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा तो यहाँ पर टोटल सिक्सटीन बाइट्स हैं इस स्ट्रिंग में तो एफ डॉट राइट पहले लिखा हाई दिस इज फाइल हैंडलिंग नेक्स्ट इज दिस इज पाइथन नाउ एफ डॉट राइट लाइन्स राइट लाइन्स में आप लिस्ट दे सकते हो पूरी मिस डिफरेंट स्ट्रिंग्स दे सकते हो तो यहां पर मैं दो स्ट्रिंग्स पास कर देती हूं द फर्स्ट अस राइट हेलो द नेक्स्ट वर्ल्ड तो अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स देनी है तो हमें लिस्ट की फॉर्म में देना होगा राइट ठीक है तो हमने तीन बार राइट किया दो बार राइट फंक्शन से और एक बार राइट लाइन से अब मैं फाइल को क्लोज करती हूं एफ डॉट क्लोज File हो चुकी है नाउ अस ओपन फाइल देखते हैं कि हमारी फाइल क्रिएट हुई है yes, तो फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसे ओपन किया अब देखते हैं फाइल में क्या आया है सी हाय दिस इज फाइल हैंडलिंग दिस इज पाइथन और उसी के साथ आ गया हेलो वर्ल्ड पाइथन में मैंने स्लैश एन दिया था तो वो नेक्स्ट टाइम में मूव हो गया ठीक है वो हेलो वर्ल्ड जब लिस्ट में बनाया था तो वहां पर तो कोई स्लेशन दिया ही नहीं तो वो साथ में ही आ गया ठीक है तो अगर आप न्यू लाइन में मूव नहीं करोगे तो वो न्यू लाइन में मूव होगा भी नहीं पर आपने फाइल दी आपकी फाइल टू डॉट पी वाई देखो क्रिएट हो गई ठीक है ना फिर आपने जो जो लिखा वो सब यहाँ पर इंसर्ट भी हो गया राइट तो हमने फाइल को ओपन किया हमने फाइल को राइट किया और हमने फाइल को क्लोज किया और फिर हमने फाइल को चेक भी कर लिया कि फाइल बन भी गई है और फाइल के अंदर ही सब कुछ राइट भी हो गया है अब हम करते हैं अपेंड मोड पे काम एफ वन डॉट ओपन टू डॉट पी वाई ए इसी फाइल को हमने अपेंड मोड में ओपन किया अब हम जो भी लिखेंगे वो एंड और एंड में चला जाएगा फाइल के अपेंड मोड ठीक है क्योंकि जो हमारा कर्सर होगा फाइल हैंडल जो होगा वो एंड ऑफ द तो फाइल पर होगा उसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो वहां पे इंसर्ट हो जाएगा तो so, मैंने टू डॉट वाई ओपन कर ली है इन अपेंड मोड नाउ आई विल राइट इट एफ वन डॉट राइट तो यहां पर स्लैश एन लेट राइट हे दिस इज क्रेजी राइट एफ वन डॉट राइट हे दिस इज क्रेजी इसमें ट्वेंटी सेवन बाइट्स हैं टोटल एफ वन डॉट राइट राइट लाइन्स एक राइट का ले लेते हैं एक राइट लाइन्स का ले लेते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स स्ट्रिंग में आप कुछ भी दे सकते हो नंबर्स सिम्बल्स लेटर्स एनी थिंग थोड़ी स्पेसिंग भी दे देते हैं यहाँ पे इट विल मेक इट मोर क्लियर राइट right, तो हमने अपेंड मोड में राइट एंड राइट लाइंस दोनों ही यूज कर लिया लेट अस क्लोज द फाइल डॉट क्लोज अब मैं फिर से फाइल ओपन करूंगी टू एंड लेट अस सी कि जो हमने अपेंड मोड में खोल कर लिखा था क्या वो लिख गया लिख गया है वहां पर आ गया है लेट अस ओपन सी इट इज देयर हे दिस इज क्रेजी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो स्लैश एन यूज किया था हमने तो न्यू लाइन में आ गया जो hey, हमने दी थी, वो spaces भी आ गई में, तो right, तो ये होगी हमारी opening, writing, appending and closing file. तो फाइल को को कैसे कैसे करना है? फाइल को close कैसे करना है, है, कौन से मोड में ओपन करना है हर मोड का एक अपना अपनागेशन है ठीक है जैसे रीड मोड के लिए फाइल का एग्जिस्ट करना मैंडेटरी है लेकिन राइट एंड अपेंड में फाइल एग्जिस्ट करना मैंडेटरी नहीं है ठीक है फाइल फाइल तो को क्रिएट कर देंगे फिर हमने कैसे कैसे फंक्शन यूज करने हैं फाइल को लिखने के लिए so, इसी के साथ हमारी राइटिंग एंड अपेंडिंग कंप्लीट होती है इन फाइल। नेक्स्ट वी हैव स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स ठीक है तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कुछ स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है कुछ स्टैंडर्ड एर स्ट्रीम्स हैं पाइथन के अंदर तो स्टैंडर्ड इन डिवाइस इज एस आई एन

वो सिक्स डॉट एस टी डी आई एन के साथ लिंक अप है लिंक्ड है तो जो भी हम कीबोर्ड पे की को स्ट्रोक करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें चली जाएगी और वहां से हमारी इनपुट डिवाइस के ऊपर हमें सब कुछ दिखेगा तो ये है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो कि कीबोर्ड है और कीबोर्ड लिंक्ड है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मीन्स एस टी डी आउट ये हमारी एस टी डी आउट एक क्लास है स्टैंडर्ड आउट ठीक है तो प्रिंट टू डिस let us राइट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस because इट इज linked टू सिर्फ आउट मतलब हमारा मोनिटर की बात आप ले सकते हो जो भी हमारे पाइसन से बाहर आता है वो मोनिटर पे हमें डिस्प्ले हो जाता है प्रिंट हो जाता है ठीक है इट डिस्प्ले टू आर मोनिटर तो वो क्यों एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है एस टी डी आउट जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस को लिंक कर देता है सिस्टम डॉट एस टी डी आउट के साथ दिस स्टैंडर्ड इनपुट दिस इज स्टैंडर्ड आउटपुट एंड द लास्ट इज स्टैंडर्ड एरर अगर कोई एरर आ रहा है हमारे पाइथन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये हमारा उसको डिस्प्ले करवा देगा सेम एज एस टी डी आउट बट ओनली फॉर एरर तो स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर ऑलमोस्ट सेम है बस स्टैंडर्ड एरर में आपके पास सिर्फ एरर शो होंगे और स्टैंडर्ड आउटपुट में आपको आउटपुट शो होगी और दोनों के दोनों आउटपुट हो या एरर हो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे मॉनिटर पे आउटपुट डिवाइस के ऊपर ठीक है तो इसमें बस इतना ही हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट एस टी डी आई एम स्टैंडर्ड आउटपुट एस टी डी आउट एंडर एस टी डी आर आर द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ ठीक है जो हम फाइल नेम या फाइल पाथ देते हैं ये उसके साथ हमारे उसके रिगार्डिंग है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ नव एब्सोल्यूट मीन्स फुल पाथ पॉइंट टू द सेम लोकेशन इन अ फाइल सिस्टम रिगार्डलेस्ट ऑफ द करंट वर्किंग डायरेक्टरी टू डू दैट इट मस्ट इंक्लूड द रूट डायरेक्टरी आप किसी फोल्डर के अंदर बैठे हो या हम पाइथन के सॉफ्टवेयर में पाइथन शेल्फ पर काम कर रहे हैं और हमने कहीं और से कोई फाइल उठानी है किसी और डायरेक्ट्री से किसी और डराइव से किसी और फोल्डर से तो हमें उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा तो जब भी हम फुल पाथ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ राइट द नेक्स्ट इज रेलेटिव रेलेटिव मीन्स हम किसी डायरेक्टरी के ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं और वहां से हमने पाथ देना है तो हम वहीं से उसी डायरेक्टरी में सिर्फ उस फाइल का पर्टिकुलरली फाइल का नेम देंगे रादर देन फुल पाथ तो वो होता है हमारा रेलेटिव पाथ रेलेटिव पाथ स्टार्ट फ्रॉम सम गिवन वर्किंग डायरेक्टरी अवॉइडिंग द नीड टू प्रोवाइड द फुल एब्सोल्यूट पाथ तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं हम ये हमारी सी ड्राइव है देन वी फोल्डर हमारे पास। PIX, Again, folders, PNG, अलग अलग folder, उसके अंदर अगेन एक फोल्डर है एबीसी या एक फाइल है एबीसी मूवीज के अंदर हमारे पास दो मूवीज पड़ी डेड मैन एंड एम आई सॉरी पिक्स के अंदर दो फाइल्स हैं जे पैग एंड पी एन जी ठीक है ना अगर इसका एब्सोल्यूट पार्थ देखें तो वो रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट होएगा सी ड्राइव उसके अंदर पिक्स उसके ए बी सी सी ड्राइव उसके अंदर उसके अंदर मूवीज उसके फुल पाथ ऑफ द फाइल रेलेटिव पार्थ इज इफ वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन पिक्स डायरेक्टरी सपोज हम पिक्स डायरेक्टरी के अंदर ही काम कर रहे हैं और हमें यहीं से कोई फाइल ओपन करनी है तो हम सिर्फ उस फाइल का नेम देंगे स्लैश जे पैग स्लैश पी एन जी हमें अब PNG या JPEG का ये फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी उस फोल्डर या उस डायरेक्टरी के अंदर हैं ठीक है तो अगर हम किसी वर्किंग डायरेक्टरी में ही बैठे हुए हैं उसी डायरेक्टरी से हमने कोई फाइल फेच करनी है तो हमें सिर्फ उस फाइल का नेम देना है मीन्स रिलेटिव पाथ लेकिन अगर हम कोई बाहर की फाइल की बात कर रहे हैं तो हमें उस फाइल का एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा मीन्स फुल पाथ राइट आई होप सो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पास कैसे देते हैं तो so, एब्सोलूट होता है रिलेटिव होता है तो so, इसी के साथ हमारी फाइल हैंडलिंग की टेक्स्ट फाइल्स की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉमिश थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आपको समझ में आया है कुछ फाइल सिस्टम के बारे में फॉर नाउ इट्स कोविड सो स्टे होम एंड स्टे सेफ बाय टेक केयर